दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नवजात बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। दो दिन पहले बच्चे ने मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही जन्म लिया था और बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। मौके पर पहुंचे लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। दरअसल मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ था। बच्चे की मां को बताया गया था कि बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। इसी दौरान शनिवार सुबह खबर आई कि बच्चा उस वार्ड से गायब है जहां पर उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। लोगों ने आरोप लगाया कि चोर गैंग ने बच्चा चोरी किया है। जिस जगह पर बच्चे को रखा गया था वहां का CCTV भी खराब बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले ही अस्पताल में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया था, जिसके बारे में स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन को अवगत भी कराया गया था, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा चोरी होने की सूचना पर पहुंचे लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा किया और बच्चे के तलाशने की पुलिस प्रशासन से मांग की। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और आगे की कार्यवाही में जुट गई।